देखिए, आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 4-5 साल से जराइम के हवाले से शिकायत में तेज़ी आई है, और ख़ुद जो पुलिस का निज़ाम है उस हवाले से काफ़ी देर से कहा जा रहा है कि इसमें चेंजिंग आनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में बदकिस्मती से इस वक्त तक वही पुलिस एक्ट चल रहा है जो 1947 से पहले अंग्रेज़ का पुलिस एक्ट था। उस प्लस पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था लोगों को दबाने के लिए और लोगों को सोच समझ की जो सलाहियत है उसको रोकने के लिए। वो पुलिस एक्ट पाकिस्तान में चेंज हो चुका है, पाकिस्तान में वो गुलामी का एक्ट पुलिस एक्ट ख़त्म हो चुका है और नया एक्ट आ चुका है जो आज़ाद कश्मीर में ताहल नहीं लाया गया है। और गुज़श्ता जुडिशल कॉन्फ्रेंस में भी खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने यह मुतालबा किया कि जो पाकिस्तान में जुडिशल एक्ट आया है, पुलिस एक्ट आया है, उसको यहाँ पे नाफिस किया जाए ताकि आम आदमी को पुलिस कवानीन के तहत तहफ़ दे, ना कि उन कवानीन के तहत जो इलाके में बासर लोग हैं, जो जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करते हैं, उनको तहफ़ मिले। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो पुलिस एक्ट का है कि 1947 का जो गुलामी का एक्ट था वो चेंज किया जाए और पाकिस्तान में जो जनरल मुशरफ के दौरे हुकूमत में एक्ट नाफिज हुआ है वो यहाँ पे नाफिजुल अमल किया जाए। मुजफ्फराबाद सिटी बेसिकली बहुत छोटा सा शहर है लेकिन ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, आपने जिस तरह कहा कि मेरे साथ रात को ये वाकई हुआ कि मैं गाड़ी रात को पार करके घर गया तो तकरीबन 12-12:30 बजे के बाद का वाक्य है, तो मेरी गाड़ी में से LED निकाल दी गई, उसके बाद टेप थी वो निकाल दी गई, फ्लैश और छोटा मोटा सामान था गाड़ी का वो निकाल दिया गया, हालांकि गाड़ी लॉकअप थी। इस छोटे से शहर में बहुत सी वारदातें हो चुकी हुई हैं, CCTV कैमराज नहीं हैं। पुलिस को चाहिए कि ये जो वारदातें होती हैं, ठीक है, इनका सुराग लगाएं और उसके बाद जितने भी ये चोरियां हो गई हैं, डकैतियाँ हुई हैं छोटी मोटी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी से फ्लैश निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है मैं दोबारा ले लूँगा, लेकिन बात यह है कि ये छोटी छोटी वारदातें करते हैं बच्चे और फिर ये कल बड़ी कार्रवाई होती है, बाइक चोरी होते हैं, गाड़ियों के लॉकअप तोड़े जाते हैं, गाड़ियों के शीशे उतार लिए जाते हैं, बहुत बार ऐसे हुआ है। मेरे साथ ये कम से कम कोई 5वीं बार ऐसे हुआ है। लोगों में वो जो शऊर होना चाहिए वो भी नहीं है, और जो हमारी पुलिस के काम हैं, जो हमारी स्पेशल ब्रांच के काम हैं, वो भी मध्यम पड़ चुके हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं। और आपने ये चोरी चकारी की बात की है तो ये शहर में, ये इन्हीं इलाकों में नहीं, ये जो अंदरूनी शहर का इलाका है वहाँ पर भी यही चीज़ें जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। लोगों के सामान चोरी हो रहे हैं, लोगों की दुकानें ताले तोड़े जा रहे हैं, लोगों में एक किस्म का खौफ व हरास भी है, मौजूद है। उसकी वजह पुलिस का शहर में पेट्रोलिंग ना करना, और पेट्रोलिंग ना करने की वजूहत में जब आप किसी से पूछेंगे तो वो ये बताएंगे आपको कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इस वजह से ये पेट्रोलिंग जो है ये कम करते हैं। तो ये सरासर ये बात जाती है हुकूमत के सर पे जाती है कि हुकूमत इन अमूर की जानिब भरपूर तवज्जो नहीं दे रही, और उसकी वजह लोग उसकी सज़ा लोग भुगत रहे हैं। अब इन सूरत हाल में, इस तमाम सूरत हाल में लोगों को ख़ुद भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि लोगों में ये अवेयरनेस आए और वो हुकूमत को मजबूर करे, और ख़ुसूसी तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूर करे कि वो लोगों को इन मुश्किलात से दूर करें। आज़ाद कश्मीर ख़ुसूसी तौर पर एक पुरअमन खिता है, यहाँ फितरी तौर पर जुराइम की शरह कम है। जहाँ तक सवाल है पुलिस के किरदार का, तो पुलिस गुज़श्ता कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सुस्ती का शिकार है, वो जो उसके फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदेही में हमें कायली नज़र आ रही है। और गुज़श्ता कुछ अरसे से अखबारात में और मुख्तलिफ़ हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि यहाँ चोरी चिकारी की वारदातें हो रही हैं, और जो अगरचे यहाँ रेशो के अतबार से तो उसमें बहुत कम हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका सदबाब ना हुआ तो ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है, जराइम पेशा अफराद के हौसले बढ़ सकते हैं। चुनाचे ज़रूरत इस अमर की होती है कि इब्तदा ही से जराइम को फैलने का मौका ना दिया जाए और उन्हें रोक लिया जाए। चुनाचे पुलिस का किरदार जो सुस्ती तारी है
उसको रोकने की अशद ज़रूरत है ताकि इन जरायम की शरह में जो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है इनको रोका जाए और इनको बढ़ने से फैलने से पहले ही इसका कलाकामा ज़रूर किया जाए।